हम सभी बेंटन फैंस को पता है कि चाहे कोई भी बैन हो किसी भी पावरफुल एलियंस का यूज़ क्यों ना कर ले, लेकिन बेंटन 1000 के पावरफुल फ्यूजन एलियंस को डिफीट नहीं कर पाएगा। अब बाकी सभी एलियंस की बात ठीक है कि बाकी सभी एलियंस बेंटन 1000 के पावरफुल एलियंस को डिफीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या एलियन एक्स इन पावरफुल एलियंस को डिफीट कर पाएगा? अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बेंटन 1000 वर्सेस एलियन एक्स में फाइट होगा तो इस फाइट का विनर कौन होगा? या फिर अगर बेंटन 1000 के मोस्ट पावरफुल फ्यूजन एलियन यानी कि विग एक्स, एटॉमिक एक्स और क्लॉक एक्स वर्सेस एलियन एक्स का फाइट होता है तो कौन विनर होगा इस फाइट का? तो यार इस फाइट का विनर जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यार चलो एक छोटे से इंट्रो के साथ इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बेंटन 1000 की या फिर उसके मोस्ट पावरफुल एलियंस यानी कि बिग एक्स, एटॉमिक एक्स और क्लॉक एक्स। मान लेते हैं कि अगर ये तीनों एलियन एक साथ एलियन एक्स पर अटैक करते हैं तो इस फाइट का विनर कौन होगा? स्टार्ट करते हैं बिग एक्स से। बिग एक्स बेंटन 1000 का एक मोस्ट पावरफुल एलियन और एक जाइंट एलियन है। बिग एक्स एलियन एक्स और बेविक का फ्यूजन है जिसके पास दोनों की ही हाफ पावर्स हैं। हम सभी बेविक की पावर्स को अच्छी तरह से जानते हैं और उसकी कॉस्मिक रेज और कॉस्मिक डिस्क को भी अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी कॉस्मिक रेज और कॉस्मिक डिस्क इतनी पावरफुल होती है कि किसी भी प्लेनेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन यही अटैक्स अगर एलियन एक्स की पावर के साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बिग एक्स कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब बात करते हैं एटॉमिक एक्स की। एटॉमिक एक्स एटॉमिक्स और एलियन एक्स का फ्यूजन है जो कि इतना पावरफुल है कि ब्लैक होल तक को क्रिएट कर सकता है। एटॉमिक्स के न्यूक्लियर अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि किसी भी प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर दे, और यही अटैक्स जब एलियन एक्स की पावर के साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटॉमिक एक्स कई गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर सकता है। एटॉमिक एक्स टेलीपैथी और टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है। एटॉमिक एक्स के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है। इसने अपनी एक फिंगर से ही बिल गेट्स तक को डिफीट कर दिया था। एटॉमिक एक्स की न्यूक्लियर बीम इतनी पावरफुल है कि किसी भी प्लेनेट को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब बात करते हैं क्लॉक एक्स की, जो कि क्लॉक वर्क और एलियन एक्स का फ्यूजन है। इसके पास भी दोनों की हाफ पावर्स है, लेकिन ये बेंटन 1000 का सबसे पावरफुल फ्यूजन एलियन है क्योंकि इसके पास टाइम पावर्स भी है। हमने एपिसोड में देखा है कि क्लॉकवर्क के पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है और क्लॉकवर्क जल्दी डिफीट हो जाता है, लेकिन क्लॉकवर्क का एलियन एक्स के साथ फ्यूजन होने पर इसकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। एटॉमिक एक्स टाइम अटैक्स के अगेंस्ट वीक है, लेकिन क्लॉक एक्स टाइम अटैक्स आराम से कर सकता है। क्लॉक एक्स के पास एलियन एक्स और क्लॉकवर्क का पावर होने के कारण इसे डिफीट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और क्लॉक एक्स इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि ये किसी भी अपोनेंट या फिर विलन को इजीली डिफीट कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं ब्लैक पैंथर की। अरे इस ब्लैक पैंथर की नहीं, हम बात कर रहे हैं एलियन एक्स की। एलियन एक्स एक सेलेस्ट सेफियन है जिसका होम वर्ल्ड है फोर्ज ऑफ क्रिएशन। सेलेस्ट सेफियन के लिए टाइम और स्पेस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनका एक वर्ल्ड अलग से है। बेंटन यूनिवर्स में अभी तक सबसे पावरफुल एलियन एक्स है और बेंटन यूनिवर्स के सुप्रीम विंग लेवल पर भी एलियन एक्स ही आता है। बात करें अगर इसकी पावर एंड एबिलिटीज की तो एलियन एक्स कुछ भी कर सकता है, जो आप चाहे वो कर सकता है। एलियन एक्स ने अपनी ही स्पीसीज के एक सेलेस्ट सेफियन यानी कि गैलेक्टिक ग्लैडिएटर तक को डिफीट किया है। एलियन एक्स ने अपने थॉट्स से ही यूनिवर्स तक को क्रिएट किया है। एलियन एक्स चाहे तो ओमनीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एलियन एक्स कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो बेंटन यूनिवर्स का सुप्रीम विंग लेवल का कैरेक्टर है। तो अब बात करते हैं कि एटॉमिक एक्स, बिग एक्स और क्लॉक एक्स तीनों ही एक साथ एलियन एक्स पर अटैक कर दें तो क्या होगा? तो यार देखो, अगर एलियन एक्स अपनी टाइम पावर का यूज करता है तो इससे एटॉमिक एक्स और बिग एक्स दोनों पे ही टाइम अटैक्स का इफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ बेंटन 1000 के मोस्ट पावरफुल फ्यूजन एलियन यानी कि क्लॉक एक्स पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और ना ही एलियन एक्स पर किसी भी टाइम अटैक्स का इफेक्ट होने वाला है। तो ये मैच चलेगा क्लॉक एक्स वर्सेस एलियन एक्स के बीच। क्लॉक एक्स और एलियन एक्स दोनों ही एक दूसरे पर अगर टाइम पावर का यूज करते हैं तो दोनों पर ही कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन अगर दोनों ही अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके फाइट करते हैं तो सिंपल है कि इस फाइट का विनर होगा एलियन एक्स। लेकिन रुको, क्या एलियन एक्स बिग एक्स, एटॉमिक एक्स और क्लॉक एक्स के लिए अपनी टाइम पावर का यूज करेगा? इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। एलियन एक्स अपनी टाइम पावर का यूज नहीं करेगा क्योंकि वो इन्हें बच्चे की तरह हरा सकता है। लेकिन क्या सच में एलियन एक्स इन तीनों मोस्ट पावरफुल फ्यूजन एलियंस से एक साथ फाइट कर पाएगा? क्योंकि तीनों फ्यूजन एलियंस इतने पावरफुल हैं कि अगर ये तीनों किसी पर भी एक साथ अटैक करते हैं तो उसे आसानी से डिफीट कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल आंसर है कि इस फाइट का विनर भी होगा एलियन एक्स, क्योंकि एलियन एक्स को थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन वो इन्हें डिफीट कर देगा, क्योंकि यार एलियन एक्स को मारा नहीं जा सकता है और एलियन एक्स एक सेलेस्ट सेफियन है।
इसलिए इसे डिफीट करने के लिए भी एक सेलेस्टियल सेफियन चाहिए होगा। और इन तीनों ही एलियंस पर सेलेस्टियल सेफियन का पावर है, लेकिन ये सेलेस्टियल सेफियन नहीं, इसीलिए एलियन एक्स इस फाइट का विनर होगा, क्योंकि एलियन एक्स अपने कुछ थॉट से ही इन तीनों को आराम से हरा देगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और यार ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।